सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। हम सभी के जहन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर जब हम मर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर का क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि मरने के बाद या तो इंसान स्वर्ग में जाता है या फिर नरक में। अगर जीवन भर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, वहीं दूसरी ओर अगर आपने पाप किए हैं तो आप नरक में जाएंगे। लेकिन इनके सवाल उनसे पूछने चाहिए हैं जो लोग मौत के मुंह से लौट कर आए हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करा है और बताया है कि कैसा था उनका मौत का सफर। बता दें कि अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है, ये सारे सवाल हम सभी के जहन में खड़े हो जाते हैं। क्या ये पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में आत्माएं भटकती रहती हैं, या फिर मानव अस्तित्व से कोई परे कोई दूसरी दुनिया है। कोमा में पहुंच गए मरीजों ने मौत के मुंह से लौट के आने के बाद अपना अनुभव बताए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर से भरपूर प्रकाश यानी रोशनी आ रही थी। क्या ये दूसरी दुनिया की एक झलक होती है, खैर हम इस पर निश्चित तौर पर तो नहीं बता सकते, लेकिन उन लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो आज तक वो भुला नहीं पाए हैं। बता दें कि मरने के कुछ क्षण पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने ओ वाओ कहते हुए सुना गया था। ये कहने के कुछ सेकंड बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था, क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से बिल्कुल परे हो। क्या वो कोई दूसरी जगह थी या फिर कोई और दुनिया थी। बता दें कि मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है जो मौत से डरता है, यहां तक कि मौत पर बात करने से भी डरता है, और मौत के बाद होने वाले घटनाक्रमों से भी। जबकि हम सबको पता है कि मानव इतिहास में अमरता किसी को हासिल नहीं हुई है, फिर ये भय कैसा। एक थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी ये कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज में पहुंचे कई लोग ऐसा अनुभव के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौटकर आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय में अपने शरीर को देखा। इससे भी यही लगता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बता दें कि मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसको कुछ इस तरीके से बताया। अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत सुंदर जगह पे था। ये मानवीय नहीं था, इसलिए मैं इसको मानवीय ढंग से समझा नहीं सकता, लेकिन वो जो कुछ भी था बहुत खूबसूरत था। ये सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर आईसीयू में भर्ती एक महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है। मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द की बजाय मैं बहुत ही हल्का और राहत महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था। इसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे कुछ नहीं याद था। बहरहाल कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है, और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। खबरी चौखट से गौरव की रिपोर्ट।